अगर मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर महीना 26 दिन 21 दिन और 28 दिन का हो सकता है हाँ। तो 32 दिन का भी हो सकता है हाँ तो और सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की है कि कागजों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ना बताए कि BSNL को 4G मिल गया है कि जब तक हम इनको सुधारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक क्या तो BSNL के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है? एक आदमी झूठ तो बोल ही रहा है सर। नहीं, सरकारें जो है ना वो आम आदमी को फ्लावर समझती है, लेकिन आम आदमी फ्लावर नहीं है, आम आदमी फायर फायर। क्योंकि आप चीजें सस्ता दें लेकिन अगर नेटवर्क स्पीड सही ना हो, डाटा स्पीड सही ना हो तो लोग सिम लेके क्या करेंगे। अभी मैं BSNL ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ और ये कुछ महीने पहले देश की नंबर एक कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में बन गई, लेकिन मैं ये बात आज डंके की चोट पर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अभी नंबर एक है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में ये नंबर एक नहीं रह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है और कहीं ना कहीं सरकार का दोष है। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, बहुत समझदार है, और यही कारण है कि दिसंबर महीने में लगभग 25 लाख नए सिम खरीदे गए BSNL के। और किसने खरीदा? इस देश की जनता ने खरीदा, खासकर बिहार और झारखंड के लोगों ने खरीदा। 25 लाख लोग अपने आप में मायने रखते हैं और कहीं ना कहीं BSNL को वो बचाना चाहते हैं, इसीलिए वो 25 लाख सिम खरीदे हैं। हमारे साथ आज कुमार अभिनव जी है पब्लिक प्लेटफॉर्म से, जिन्होंने BSNL के लिए आवाज उठाई, जियो एयरटेल के 24 दिन वाले रिचार्ज के लिए 30 दिन के लिए करने के लिए आवाज उठाई। हमारे साथ कुमार अभिनव जी है, क्या लगता है ये टेलीकॉम कंपनी सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी? देखिए, लोगों ने इमोशन में आके सिम खरीदा है हाँ। इसलिए सिम नहीं खरीदा है या अपना सिम पोर्ट नहीं कराया क्योंकि ये सस्ता है हाँ। क्योंकि आप चीजें सस्ता दें हाँ। लेकिन अगर नेटवर्क स्पीड सही ना हो, डाटा स्पीड सही ना हो हाँ। तो लोग सिम लेके क्या करेंगे हाँ। लोगों ने इमोशन में आके खरीदा है हाँ। और उन कंपनियों को उनकी औकात दिखाने के लिए खरीदा है हाँ। तो BSNL के भी जो अधिकारी हैं और जो ऊपर बैठे हैं उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि वो भी ईमानदारी से अपना फर्ज निभाएं। और सबसे पहली जिम्मेवारी सरकार की है कि कागजों पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ना बताए कि BSNL को 4G मिल गया है हाँ। और अगर 4G मिल गया है, मान लेते हैं, एक बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विश्वास कर लेते हैं हाँ। क्योंकि सरकार का जो प्रेस ब्यूरो में उसने अपना बयान दिया है वो ये कहा है कि BSNL को 4G दे दिया, अलॉटमेंट हो गया है हाँ। तो अब मान भी लेते हैं कि हो गया है तो फिर उसका स्पीड कहां गया? आज आप BSNL से वीडियो कॉल कीजिए, वीडियो कॉल नहीं लगता है। तो इसका मतलब कि या तो BSNL के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है। कोई एक आदमी झूठ तो बोल ही रहा है सर, कोई ना कोई तो दोषी है जो झूठ बोल रहा है। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य इस देश का, आम आदमी ने कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसने BSNL की सिम खरीदी, लेकिन इस सरकारों तक आवाज नहीं पहुंची और आज तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिला, यह दुर्भाग्य है। मैं आपको यहां काउंटर करना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं कि सरकारों तक बात नहीं पहुंची है हाँ। सरकारों तक बात इतनी जोर शोर से पहुंची है कि ट्राई को सख्त निर्देश देना पड़ा है कि महीना 28 से बढ़ा के 30 किया जाए। लेकिन सरकारें सुन के भी अनसुनी कर रही है ना बातें हाँ, दिखा तो रही है कि बातें पहुंच गई, हमने निर्देश भी जारी कर दिया लेकिन हो नहीं पाएगा। और अभी ट्राई का, अभी मैं आज ही पढ़ रहा था हाँ। उसमें पहले दिया गया कि 60 दिनों के अंदर ये अपना प्लान चेंज करें हाँ। प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी, और आज के अखबार में छपा है कि 60 दिन नहीं, जून तक का बढ़ा दिया गया हाँ। तो ये क्या है सर हाँ। आप अगर, मैं एक चीज कहता हूँ कि अगर महीना 26 दिन 21 दिन और 28 दिन का हो सकता है हाँ। तो 32 दिन का भी हो सकता है हाँ, तो 32 दिन का रिचार्ज आप कहे नहीं देते हैं लेकिन उनको 28 दिन का देने का सस्ता पड़ता है। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 दिन कम कर देने से कम 4,000 करोड़ का फायदा होता है। 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ का 2 दिन कम कर देने, 2 दिन, सिर्फ यही 2 दिन कम कर देने से। ये मैं मिनिमम डाटा में बता रहा हूँ, और यही बात मैं मुंबई के जियो हेड ऑफिस के सामने खड़ा होकर मैंने यही कहा था हाँ। कि अगर ट्राई निर्देश दे भी देना हाँ। तो जिसको हराम की खाने की आदत लग गई है हाँ। वो पैसा आसानी से नहीं छोड़ेगा। और 4,000 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है कि किसी ने निर्देश दे दिया और बाकी लोग मान जाएंगे। आज दुनिया, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो है ना, कहीं ना कहीं 5G के ट्रायल हो रहा है। तमाम प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो है प्राइवेट सेक्टर की, वो 5G का ट्रायल कर रही हैं, लेकिन ये BSNL 3G और 2G के फेर में फंसा हुआ है और कहीं ना कहीं यही दुर्भाग्य है। कभी इसी ने शुरुआत किया, इनकमिंग कॉल को फ्री करने का काम BSNL ने किया है जी। लेकिन आज सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, सबसे
पहले कांग्रेस ने डुबाया सरकार और अभी फिर भाजपा भी डुबाने का ही काम कर रही है। लेकिन अगर आप ऑफिशियली देखेंगे ना तो डुबाने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऑफिशियली सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि सारी चीजें जो है देसी तरीके से हो, मतलब कि वो क्या बोलते हैं मेड इन इंडिया हो। तो आपकी कंपनी मेड इन इंडिया हो और आप ही के देश की दूसरी कंपनी है, जियो है, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है, वो सारे के सारे चाइनीज इक्विपमेंट काम करते हैं, सारे के सारे चाइनीज इक्विपमेंट यूज करते हैं। और जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो बीएसएनएल हमारा स्वदेशी है तो उसको हम डुबा रहे हैं। और डुबाया भी इसीलिए जा रहा है क्योंकि इसके भी सारे इक्विपमेंट स्वदेशी होने चाहिए। तो सर यही नियम दूसरे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पे आप लागू करिए ना, उस पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दुर्भाग्य नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आने वाले समय में बीएसएनएल को हम बेचेंगे और अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, यही होगा। बीएसएनएल के अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास तो इतना जमीन पड़ा है कि उसका यूज नहीं है, कहिए तो हम अपना जमीन बेच देते हैं और इसके बाद जो है उसका हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सरकार ने कहा कि नहीं, आप जमीन भी नहीं बेच सकते हैं। मतलब अगर अधिकारी एक दो चीज सुझाते भी हैं कि सर हम इस तरीके से काम कर ले, सरकार कहती है कि नहीं ये तो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो सर खुद सरकार चाहती है कि डूबी रहे। इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, कहीं ना कहीं वो अपनी ईमानदारी दिखाती भी है ग्राउंड लेवल पर, और यही कारण है कि जनता ने जो है बीएसएनएल को नंबर एक बनाने के लिए ठाना और विगत कुछ महीनों में बन भी गई। लेकिन सरकारें इनको नंबर एक बनने देना चाहती ही नहीं है, और दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं हमने भी ठाना है कि जब तक हम इनको सुधारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये सुधर भी जाएंगे, हमारी आवाज से सुधरेंगे, स्वतंत्र पत्रकारिता इनको सुधारेगी। क्यों अभिनव जी? और चूंकि हम लोग का काम है प्रयास करते रहना, तो प्रयास करते रहेंगे। और जब हम लोगों के प्रयास से अगर इतना ज्यादा सिंपोर्ट हो सकता है, अगर ट्राई को सख्त निर्देश देना पड़ सकता है, तो कैसे मान ले कि नहीं सुधरेंगे? नहीं, सरकारें जो है ना वो आम आदमी को फ्लावर समझती हैं, लेकिन आम आदमी फ्लावर नहीं है, आम आदमी फायर है, फायर है, और जिस दिन ही उठेगा चीर फाड़ देगा। बिल्कुल सहमत हूँ, सहमत हूँ। हाँ, और यही कारण है कि मैं बीएसएनएल ऑफिस बक्सर के बाहर ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये जनता बहुत ईमानदार और चाहती है कि बीएसएनएल जो है नंबर एक बनी रहे, और सरकारों को भी आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बीएसएनएल की सिम खरीदते रहिए, आप खरीदिए, एक आध दो सिम आप पोर्ट कराते रहिए, तब तो सुधरेंगे। कहीं ना कहीं एक दिन तो क्रांति आएगी ही, क्रांति आएगी, और क्रांति की शुरुआत हो चुकी है शुरुआत। और यह बात सरकार भी समझ चुकी है, बाकी अधिकारी लोग भी समझ चुके हैं, कर्मचारी भी समझ चुके हैं, लेकिन जरूरत है कि लगातार बोलते रहे, लगातार चिल्लाते रहे, ताकि दबाव पड़ता रहे। बिल्कुल, और मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस बीएसएनएल को बचाना है। बीएसएनएल हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। कभी यही बीएसएनएल नंबर एक हुआ करता था, लेकिन आज भी नंबर एक है विगत कुछ महीनों में, लेकिन ये देश की सबसे पुरानी कंपनी, इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा इसका सिम लीजिए। और ये आएगी ना तो एक क्रांति आएगी, जो 24 दिन का रिचार्ज आपको मिल रहा है वो 30 दिन का बीएसएनएल आज दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है, इसका टोटल प्लान 30, 60 और 90 दिनों का होता है, ऐसे 28 और 24 दिन का नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों को भी झुकना पड़ेगा अगर बीएसएनएल जो है अपने फिर से रौंद रूप में आ गया। इस वीडियो से जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना, धन्यवाद मित्रों।